वेलकम फ्रेंड्स, अभी आपको हम बताएंगे कि किस तरह से DIW को कोट किया जाता है। आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले DIW को सेंसिटाइज किया और उसे एक घंटे के लिए छोड़ दिया ताकि वो डीबबल हो सके। तो इधर हमारे पास जो DIW है वो डीबबल हो चुका है, अब हम उसे कोट करेंगे। इसके हमें खास ध्यान रखना है कि हम जो स्क्रीन और मैश का सिलेक्शन करें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो कुछ पर्सन लकड़ी की मैश भी यूज़ करते हैं और एल्यूमिनियम मैश भी यूज़ किया जाता है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि आपकी जो एल्यूमिनियम मैश होती है, जो फ्रेम होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी उस किसी लकड़ी के स्क्रीन के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर हमारे पास DIW 3-4 है जो हमने थोड़ा सा निकाल कर रखा है, उसे हमने कोटर में ले लिया। अब अगेन जिस तरह हमने DP ग्राफिक को शार्प एज की तरफ से किया, यहाँ पे हम DIW को राउंड एज की तरफ से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे राउंड एज है, आप चाहे उतनी थिकनेस ले सकते हैं। अगर आपको एक कोट करना है, आपको दो कोट करना है, इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप किस तरह से कोट करना चाह रहे हैं, आप कितना कोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 43D की मैश है, उसे हम आपको कोट करके दिखाते हैं। देखिए काफ़ी स्मूथ काम है ये, कहीं रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो आपकी जो कोटिंग है वो अनइवन हो जाएगी। तो ये हमारा DIW कोट हो चुका है, अब हम इसे ड्राई रखेंगे, उसके बाद एक्सपोजर और डेवल। 40 डिग्री टेम्परेचर पे अगेन इसे भी ड्राई में रख देना है। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम हमारे ड्राइवर चेक करते हैं कि हमारा DIW ड्राई हुआ है। ओके, तो ये ड्राई है, तो वैसे तो डायजो बेस्ड इमल्शन का हमारे DIW का लैटिट्यूड काफ़ी लंबा है, तो हम इसलिए हम 70 सेकेंड यूज़ कर रहे हैं ताकि एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिले और इसकी स्ट्रेंथ। यहाँ वैक्यूम उठना है, उनके बाद यहाँ हमने एक्सपोजर स्टार्ट किया 70 सेकेंड। 70 सेकेंड यहाँ पर पूरे हो गए हैं, आइए इसे डेवलप करें। अब इसे हम हार्ड करके और प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने किस तरह से DIW 3-4 को कोट किया और उसके बाद मैंने आपको हार्डनर का प्रोसेस समझाया। अभी हम आपको बताएंगे कि जो स्क्रीन जो रेडी है, जिसे हमने अच्छे से टैप कर दिया है, उसे हम कैसे प्रिंट करते हैं। मेरा फ्रेंड विष्णु आपको बताएगा कि इसे कैसे प्रिंट किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो कपड़ा है, जो टेक्सटाइल कपड़ा है, पहले से हमने फिक्स किया हुआ है, अब विष्णु आपको बताएगा किस तरह से उसे प्रिंट करना किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मिस्टर इमरान ने बताया आपको कि प्रिंटिंग के लिए फ्रेम रेडी है, उसमें जो भाग ओपन है उसमें टैप से ब्लॉक कर दिया है, उसके बाद हम इसको प्रिंटिंग का टेबल है उसमें फिक्स कर देंगे। फ्रेम हमने फिक्स कर दिया और नीचे ऑलरेडी कपड़ा लगा हुआ है जिस पे हम प्रिंटिंग करेंगे। हम
अंदर डाल देते हैं। डाल दी, उसके बाद फिर से पहले एक स्क्वीज़ी से थोड़ा लेयर बना देते हैं, उसके बाद हम फिर से एक प्रिंटिंग करते हैं। जैसे प्रिंटिंग हो गया है जो